अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर इन्जॉइंग गुड हेल्थ। इट्स माई यूट्यूब चैनल, यू मे सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। सो आई हैव क्रिएटेड दिस स्लाइड फॉर यू सो डैट योर कंसेप्ट विल बी क्लियर अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पोलिटिकल साइंस। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये MCQs के तौर पे CSS के स्टूडेंट्स को भी पूछे जा सकते हैं जो CSS पोलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रखते हैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, और कुछ ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। डैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड आई होप दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी हेल्पफुल और पेपर में उनको बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं अबाउट प्लाटो एंड एरिस्टोटल एंड द रिलेशनशिप ऑफ प्लाटो एंड एरिस्टोटल, अबाउट देयर डेट ऑफ बर्थ एंड देयर कंसेप्ट्स, and you may say regarding some books, their published books. Question number one, यहाँ पर मैंने mention किया है when Plato was born, Plato कब पैदा हुए। Plato मतलब अफलातून। Plato was born in 427 BC में, बस इतना ही mention कीजिए 427 BC में ये पैदा हुए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सरगोधा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनको ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से परेशान रहते हैं, तो क्यों ना उनके लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे प्रिपेयर कर दिए जाएं ताकि वो आराम से अपना पेपर सॉल्व कर सकें। मैंशन द नेम्स ऑफ एनी टू बुक्स बाय प्लाटो, प्लाटो की दो किताबों के नाम लिखें जो कि आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट में आप डिस्कस करते हैं या फिर प्लाटो के हवाले से मनसूब करते हैं तो बहुत ज़्यादा फेमस है। उनमें द रिपब्लिक है एंड द लॉस, ये दो बहुत ज़्यादा फेमस किताबें थी प्लाटो की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रिलेशनशिप ऑफ अरिस्टोटल टू द प्लाटो, अरिस्टोटल वाज द पिपल ऑफ प्लाटो। अरिस्टोटल जो था वो एक स्टूडेंट था, शागिर्द भी था, आप कह सकते हैं शागिर्द था, ठीक है, सिंपल वे में, या स्टूडेंट कह सकते हैं। तो अरिस्टोटल जो है वो प्लाटो का स्टूडेंट था, ये इनका आपस में रिलेशनशिप था। व्हाट टाइप ऑफ कंसेप्ट इज प्रेजेंटेड बाय प्लाटो, प्लाटो ने किस किस्म का कंसेप्ट पेश किया है? तो प्लाटो ने अपना आइडियल स्टेट का कंसेप्ट भी पेश किया है, प्लाटो ने फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट भी पेश किया। अगर आपसे सिर्फ यही पूछा जाए कोई एक कंसेप्ट बताएं या सिर्फ कंसेप्ट बता दें तो आप सिंपली यह बता सकते हैं, और MCQs में अगर आपके पास फिलोसोफर किंग का ऑप्शन है तो वो लगाएं, आइडियल स्टेट का है तो फिर फिलोसोफर किंग और आइडियल स्टेट दोनों पर लगाएं। देन प्लाटो हैज़ प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग, फिलोसोफर किंग जो कि रूलिंग करेगा आइडियल स्टेट पर, ये उसका कंसेप्ट फलसफी बादशाह का, यानी बादशाह हो जो हुकूमत करे रियासत पर वो फिलोसोफर होना चाहिए, ये कंसेप्ट उन्होंने पेश किया है। व्हाट वाज हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, फादर ऑफ पॉलिटिक्स यानी बाबा सियासत किसे कहते हैं? देन यू मे से अरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अरिस्टोटल वाज बोर्न, ही वाज बोर्न इन 384 BC, 384 BC में अरिस्टोटल पैदा हुए। द ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल डाइड इन, ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल कब उनकी डेथ हुई? तो ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल जो है उनकी डेथ 322 BC में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच बुक अरिस्टोटल हैज मैंशन द पोलिटिकल व्यूज, द पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स जो है ये अरिस्टोटल की एक किताब थी, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अरिस्टोटल की किताब का नाम बताएं जिसमें उसने अपने सियासी नज़रियात पेश किए हैं, तो उसका नाम है द पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, डज अरिस्टोटल डायरेक्टली क्रिटिसाइज प्लाटो, प्लाटोज व्यू ही क्रिटिसाइज इनडायरेक्टली, तो प्लाटो के नज़रियात पर क्या वो डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करता है? नो, वो इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करता है, एक किस्म का आप कह सकते हैं तनकीद भी नहीं कह सकते, कह भी सकते हैं तनकीद, क्योंकि तनकीद ही मैंशन किया गया, क्योंकि इन्होंने अपने दलाइल देकर बात की थी, अपने दलाइल देते हुए कहते हैं कि अरिस्टोटल ये कहते हैं कि प्लाटो ने अपने नज़रियात जो हैं वो इनको ऐसे भी कर सकता था, डिफरेंट वे में कर सकता था, उसने यहाँ पर ऐसे किया वैसे किया, लेकिन डायरेक्टली अपने टीचर को उन्होंने कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया, तो आपने हमेशा इनडायरेक्टली ही बताना है। एंड ये मेरा लेक्चर था आज का, आज के कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर अपडेट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।